सप्तश्लोकी दुर्गा। देवी तुम भक्त सुलभे सरोकार्य विधायनी कलौ ही कार्य सिद्धर्थम उपायम ब्रूहियतनता। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुसूत छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मुख में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो। कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों का सिद्ध करने वाली षडागत वत्सला तीन नेत्रों वाली ओम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।